जय श्री कृष्ण बाळको, धोरण त्रण विषय हिंदी। आपणे आगळ पाठ एक अने बे नुं पुनरावर्तन जोई गया, तो हवे त्यारबाद आपणे पाठ त्रण नुं पुनरावर्तन जोवानुं छे। पाठ त्रण नुं नाम शुं छे? वर्णमाला का सचित्र परिचय, એટલે કે મૂળાક્ષરોનો सचित्र परिचय। એટલે તમને મૂળાક્ષરોનો ચિત્ર સહિત પરિચય આ પાઠમાં કરાવ્યો હતો મેડમે। તો પહેલું ચિત્ર છે અહીંયા સ્વરનું, અને સામેના પેજ પર વ્યંજન આપેલા છે। હમ પઢેંગે ઓર સાથ મે હમને લિખા ભી થા, જૈસે કે અ સે અનાર, આપકો સિર્ફ અભી મેરે સાથ સ્વર ઓર વ્યંજન કા ઉચ્ચાર હી કરના હે, યાની કે સિર્ફ बोलना ही है। क्या लिखा है? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, उ से ऊन, रु से रुसी, ए से एडी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अं से अंगूर, अह से अनुस्वार है अह, और उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन को भी हम स्वर के जैसे ही बोलेंगे। आपको भी मेरे साथ पाठ्य पुस्तक खोलना है और साथ में बोलना है। क से कलम, ख से खरगोश, क से कलम या फिर कमल भी हम बोल सकते हैं। ग से गणेश जी, घ से घड़ी, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, ज से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढकना, भण से कुछ नहीं, त से तलवार, थ से थन, द से दबात, ध से धनुष, न से नगाड़ा, प से पतंग, प से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़की या फिर लट्टू भी बोल सकते हैं। व से वजन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सपेरा। इधर हम देख सकते हैं कि हमें तीन स्वर व्यंजन दिए हैं स के उच्चार वाला, परंतु इन तीनों का उच्चार अलग अलग है। जैसे कि श से शरबत, श से षटकोण और स से सपेरा। उसके बाद है ह से हल, श से क्षत्रिय, न से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल और श से श्रवण। तो आपने भी मेरे साथ उच्चार किया ना, और उसके बाद हम स्वर और व्यंजन को अपनी गृह कार्य की बुक में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने स्वाध्याय पहले भी पाठ समझा था, उस टाइम भी किया था और इस टाइम भी करेंगे, पर आपको क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में तो लिखा होगा, तो आपको यह स्वाध्याय है फिर से अपनी गृह कार्य के बुक में लिखना है। क्या करना है? स्वर और व्यंजन दोनों को, इधर आपको लिखा है अ, और उसके बाद कौन सा स्वर आएगा? आ से आम, इसे इमली, छोटी और यह बड़ी ई। उसके बाद ऊ, ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जैसे हस्व ई गुजराती में दीर्घ आता है इस तरह से इधर ई ई ऊ ऊ। उसके बाद कौन सा स्वर आता है? रू, ए ए, ओ औ, अम और अह। उसके बाद आगे है व्यंजन, इधर लिखा है क, क के बाद ख ग घ, ख के बाद अनुस्वार है डंग। उसके बाद च छ, छ ज ज्ञ। ट ठ
से श्रवण। तो आपको भी स्वर और व्यंजन दोनों को कहाँ लिखना है? अपनी गृह कार्य के बुक में, और साथ में पढ़ना भी है।